धनसार थाना क्षेत्र में गैरेज संचालक को जबरन जमीन खाली कराए जाने की जांच में पहुंचे एसपी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में बीते 18 फरवरी को गैरेज संचालकों को जबरन कुछ दबंगों द्वारा जमीन को खाली कराने के मकसद से उन लोगों के साथ मारपीट और धमकी कर उल्टा उन्हीं पर रंगदारी का केस धनसार थाना में दर्ज कराया गया था। वहीं सभी गैरेज संचालकों ने धनसार थाना में शिकायत दर्ज कराने गए, लेकिन शिकायत नहीं लिया गया। फिर सभी ने धनबाद के एएसपी से न्याय की गुहार लगाए थे। वहीं मामले में धनबाद के एएसपी मनोज स्वर्गीय आज उस स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच किए, साथ ही गैरेज संचालकों से बात की और जमीन संबंधित कागजात की जानकारी ली। बता दें कि रिंकू सिंह, गुड्डू भारती और जिंदल द्वारा जबरन 50 कट्टा बीसीसीएल की जमीन पर दावा कर रहे थे। वहीं दावे के बाद बीसीसीएल ने जमीन संबंधित कागजात धनसार थाना में प्रस्तुत किया। वहीं मामले को लेकर एएसपी ने सिर्फ जांच की बात की है। यहाँ पर अवैध रूप से जमीन को कब्जा किया जा रहा था, उसमें हम लोग ने आवेदन दिया थाना में, लेकिन आवेदन जा करके नहीं लिया गया। हम लोग एसपी साहब और एसएसपी साहब के पास हम लोग मुलाकात किए, उन्होंने जा करके इस बारे में जानकारी लेते हुए वो कहें कि हमने छानबीन में लगे हैं और डिटेल्स आ करके हम देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। और ये ज़मीन के बारे में हम लोग थाने में जब दिए कंप्लेंट कोई नहीं लिया गया। किसी प्रकार से बोला गया कि आप लेकर के कंप्लेंट जाइए और यहाँ पर कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा, ऐसे जैसे तैसे आप लोग का कंप्लेंट दे रहे हैं। और ये जा कर के बीसीसीएल की ज़मीन है, यहाँ के एजेंट साहब भी जा कर के लिखित शिकायत किए हैं थाने में कि ये ज़मीन हमारा है और इसमें अवैध कब्जा को रोका जाए। कौन कर रहा था कब्जा? कब्जा जा कर के जिंदल सर कर रहे थे। और जिंदल क्या नाम था? जिंदल सर का रिंकू सिंह एक यहाँ के टाणी पर के हैं और उनके साथ में गुड्डू भारती हैं शास्त्री नगर थोड़ा टाणा का, उनको रोका गया है और रोकने के बाद जा कर के छानबीन किया जा रहा है। गेट जा कर के रिंकू सिंह का ही आदमी जा कर के तोड़ा गया, वो जेसीबी पेलोडर दे कर के भेज करके और तोड़ा गया है और उसमें पेलोडर का फोटो वगैरह भी है। हम लोग को देखने में आया कि जा कर के फिर से गेट को पकड़ रहा है, तो हम लोग फोटो वगैरह भी लिए, जानकारी लिए, तो वो बोले बीसीसीएल से हैं। फिर जानकारी लिए तो बताया गया कि